हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, परसेंटाइल वर्सेस ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी रैंक क्या होने वाला है और आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जेपे मिनिमम स्कोर कितना चाहिए, जो कि इस साल के नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो गए हैं उसको कंसिडर करके किया गया है, जो कि यूनिक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 13 13.5 या 14 लाख भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बताया गया ये इन्फॉर्मेशन जो कि अपडेटेड है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें, अगर इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, 99 परसेंटाइल के लिए 2000 आपका ईडब्ल्यूएस रैंक हुआ, 98 के लिए 3.6 थाउजेंड, 97 के लिए 5.7, 96 के लिए 7.8, 95 के लिए 10,000, 93 के लिए 13.5, फिर 90 के लिए 18,000, 85 के लिए 24,000, 80 के लिए 29,000, 70 के लिए 42,000, फिर 60 के लिए 60,000, 50 के लिए 83,000 आपका होगा कैटेगरी रैंक। ये हो गया रैंक के बारे में। इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ परसेंटाइल क्या रहने वाला है ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम, सीएस और अदर ब्रांच के लिए एनआईटी ट्रिपल आईटी जेपे। बट उससे पहले हम आपको बता दें, कंप्लीट मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं डिटेल। सो आई फ्रेंड्स, दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस पाथ को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे, तो आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं, टॉप 5 में जाने के लिए 99.5 95.5 चाहिए आपको एनआईटी में सीएस और लोअर ब्रांच के साथ, ट्रिपल आईटी में 97.9 97.6, सीएफटी में 97.1 94.5, फिर टॉप 10 में जाने के लिए 99.1 95 एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए 97.4 97, जीएफटी के लिए 94 एंड 93.5, फिर टॉप 15 के लिए 98.5 96.9 93.5। ये हो गया एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी का, सीएस का स्लैश के बाद आप देख सकते हैं लोअर ब्रांच का। फिर टॉप 20 के लिए 98.2 96.5 93, फिर लोअर के लिए 97.1 95.6 92.8। ये हो गया एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी का सीएस का रिस्पेक्टिवली। तो ये होगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसी तरह से दूसरे कैटेगरी का भी आएगा और ईडब्ल्यूएस के लिए जे एडवांस का डेटा क्या होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।